स्वागत है आप सभी का। चलिए दोस्तों, हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं अगली मॉक टेस्ट 24। जैसा कि आप लोग जानते हो, रेगुलर बेसिस पर एक मॉक टेस्ट आप लोग लगाते हो जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चंस आपके सामने पहला है, देखिएगा, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। आगे देखना दोस्तों, बताया गया है आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी आप रोटेट मत करना दोस्तों, नहीं तो आपकी क्वेश्चंस का गलत आंसर आ जाएगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। आपको बता दें दोस्तों, इसमें 45 से 50 क्वेश्चंस इस सेशंस में ऐड किया गया है जो एग्जैक्ट परीक्षा पेपर में आने लायक क्वेश्चंस हैं। दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखना, हर एक क्वेश्चंस आपको डीपली में बताया जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन से जरा देखना, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, आपको बताना है सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है, मतलब क्या मतलब है आपको बताना है। दोस्तों ए ऑप्शन पटसन यानी जूट आपका राइट आंसर हो जाएगा। पटसन को अंग्रेजी में जूट कहा जाता है, आपको बता दें दोस्तों आपको बता दें, पटसन मतलब जूट एक उष्णकटिबंधीय फसल है जिसे सुनहरा रेशा यानी गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित किया जाता है यानी उगाया जाता है। आपको बता दें, इसके लिए उच्च तापमान और भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। भारत में इसकी उत्पादन सबसे ज़्यादा होती है और उसके बाद बता दिया जाए तो आपका बांग्लादेश द्वितीय नंबर पर है। दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं हर एक क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, विश्व का चावल जीन बैंक स्थित है, यानी पूरे विश्व की बात की जा रही है दोस्तों, चावल जीन बैंक कहाँ स्थित है आपको बताना है। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर आ गया होगा दोस्तों, कोई यह मत कहना चीन में, गलत हो जाएगा। बी ऑप्शंस आपका राइट आंसर है दोस्तों, फिलीपींस में। आपको बता दें दोस्तों, यहीं पर विश्व का चावल जीन बैंक स्थित है जहां चावल की 1.25 लाख से भी ज़्यादा किस्में संग्रहित हैं। इसकी स्थापना दोस्तों 1960 में हुआ था। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखना, निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर फोकस कीजिएगा, बताया गया है विश्व का चीनी का कटोरा, आप लोग भारत ना कहना दोस्तों, भारत का चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, यहाँ विश्व की बात की गई है। भारत की बात की गई होती तो उत्तर प्रदेश होता, विश्व की बात की गई है तो क्यूबा होगा। क्यूबा दोस्तों विश्व की चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर चीनी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी चीनी का व्यापक पैमाने पर उत्पादन किया जाता है यहाँ पर, इसलिए इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, विटीकल्चर जाना जाता है। दोस्तों हर एक क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भाग लिए हो तो ऐसे क्वेश्चंस को जरूर देखे होंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा, विटीकल्चर जाना जाता है, आपका राइट आंसर दोस्तों आ गया होगा बी ऑप्शंस, अंगूर के उत्पादन से। दोस्तों अंगूर के उत्पादन को विटीकल्चर कहा जाता है। आपको बता दें दोस्तों, इसमें अंगूर के बागान का प्रबंधन भी शामिल है। दोस्तों यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की हो तो दोस्तों लाइक करना, कल आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया दोस्तों, उसी तरह रेगुलर बेसिस पर आप लोग सपोर्ट कीजिए। यकीन मानिए बहुत जल्द आपको, आपके लिए फुल मॉक टेस्ट भी लाया जाएगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट प्रदान करेगा, आपकी पूरी प्रिपरेशंस हो जाएगी दोस्तों। उससे आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, कहां पैदा होता है दोस्तों आपको बताना है। दोस्तों शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर गर्म और हल्का ऊन माना जाता है,
कहाँ पैदा होता है, सर्वाधिक कहाँ पैदा होता है दोस्तों आपको बताना है। आपका राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा, चीन में। दोस्तों चीन में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। आपका राइट आंसर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रुकवा झील क्षेत्र यानी तंजानिया निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आ गया होगा दोस्तों। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना जिससे मोटिवेशन लगातार बना रहे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कोयला। दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा, भारत में कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है यानी किस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है यानी कहाँ पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखना। डोन बास क्षेत्र प्रसिद्ध है। दोस्तों डोन बास क्षेत्र किससे प्रसिद्ध है आपको बताना है। आपको बता दें दोस्तों डोन बास यूरोप महाद्वीप में स्थित एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्र है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया हो दोस्तों। बी ऑप्शंस आपका राइट आंसर है कोयला के लिए। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, जरा ध्यान से देखना। फ्रांस का लॉरेन प्रदेश प्रसिद्ध है। दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर आ गया होगा बी ऑप्शंस लौह व इस्पात उद्योग के लिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी भी होते हैं, बहुत हार्ड भी, जिसको नहीं आता है उसको लगेगा। दोस्तों आप लोग सब्र रखिए, हर प्रकार का क्वेश्चंस आपको करना है ताकि आप लोग परीक्षा को क्रैक कर पाओ। दोस्तों इसका राइट आंसर बी ऑप्शंस था। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे, पृथ्वी के क्रोड में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है। दोस्तों पृथ्वी जैसा कि आप लोग जानते हो तीन चार सतहों में बटा है, तो साथियों इसमें क्रोड जो सतह एक कोर नाम से एक सतह पाई जाती है, उस सतह पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु क्या है आपको बताना है। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर आ गया होगा दोस्तों ए ऑप्शन लौह। लौह दोस्तों राइट आंसर से उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से किस एक में रजत सिल्वर नहीं होता। रजत मतलब होता है दोस्तों सिल्वर, यानी रजत नहीं होता किस में, किस एक में, तो आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन दोस्तों है जर्मन सिल्वर में। जर्मन सिल्वर में दोस्तों रजत नहीं होता यानी सिल्वर नहीं होता। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। कूल गार्डी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कूल गार्डी क्या है। दोस्तों कूल गार्डी एक स्वर्ण खदानों का नाम है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, उम्मीद करते हैं आ गया होगा राइट आंसर डी ऑप्शन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जरा ध्यान से देखना। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था। आपका राइट आंसर आ गया होगा दोस्तों किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था आपको बताना है। तो दोस्तों बी ऑप्शन पिच ब्लैड। पिच ब्लैड से रेडियम प्राप्त किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। जोहान्सबर्ग प्रसिद्ध है। दोस्तों जोहान्सबर्ग का नाम आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। दोस्तों आपको बता दें जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के गैंगटेक प्रांत की राजधानी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। दोस्तों ए ऑप्शन राइट आंसर है स्वर्ण खनन हेतु जोहान्सबर्ग प्रसिद्ध है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। बॉक्साइट किसका अयस्क है। दोस्तों न जाने कितने प्रतियोगी परीक्षा में या क्वेश्चंस एग्जैक्ट पूछ लिया जाता है, इसलिए आपके लिए लाया गया है। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग आसानी से आंसर बता लिए होंगे डी ऑप्शंस। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टिन मिलता है। दोस्तों टिन कहाँ कैसे मिलता है आपको राइट आंसर बताना है। प्लेसर निक्षेपों से आपका राइट निक्षेपों में। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शंस। उम्मीद करते हैं आपका क्लियर हो गया होगा यह राइट आंसर। दोस्तों आपको बता दें नदी घाटियों के काप, काप मतलब जलोढ़ के जमावों में मिलने वाले खनिजों को प्लेसर निक्षेप कहते हैं।
अगले क्वेश्चंस की तरफ दोस्तों मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पूर्ण रूप से वह क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चंस जरा ध्यान से देखना, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? दोस्तों यूरोप की तेल राजधानी किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बी ऑप्शन एबरडीन आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों, क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा है, थोड़ा फास्ट लेंगे। रासतनुरा तेल शोधन शाला कहाँ स्थित है, आपको राइट आंसर बताना है। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर हो गया होगा सऊदी अरब, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों, क्वेश्चंस जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चंस है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के मध्य स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जैक्ट पूछ लिया जाता है कभी कभी। सी ऑप्शंस आप सभी का राइट आंसर है, मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शंस। उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चंस देखना, कौन सी खनिज सूची अलौह धातुओं की दर्शाती है, को दर्शाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, कौन सी खनिज सूची दोस्तों अलौह धातुओं को दर्शाती है, आपको बताना है दोस्तों। आपका राइट आंसर ए ऑप्शन है निकिल, जस्ता एल्युमिनियम, जस्ता ताबा एल्युमिनियम। दोस्तों आपका राइट आंसर ए ऑप्शन है, कौन सी खनिज सूची अलौह धातुओं को दर्शाती है, तो निकिल, जस्ता, तांबा, एल्युमिनियम। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला जरा ध्यान से देखना, निम्नलिखित में से किस देश में बाजार आधारित इस्पात उद्योग स्थापित किया गया है? दोस्तों आपको बताना है निम्नलिखित में से किस देश में बाजार आधारित इस्पात उद्योग स्थापित किया गया है, आपका राइट आंसर दोस्तों आ गया होगा डी ऑप्शंस। आपका राइट आंसर दोस्तों जापान में आ गया होगा डी ऑप्शंस। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, ध्यान से देखना, निम्नलिखित में से कौन सा फुट लूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो पहले आपको बता दें दोस्तों फुटलूज उद्योग का मतलब क्या है। दोस्तों फुटलूज उद्योग मतलब होता है इसमें परिवहन लागत नहीं लगता, यानी इसमें इसके मतलब कार्यशाला में कोई परिवहन लागत नहीं लगती दोस्तों। यह राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सॉफ्टवेयर। दोस्तों कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शंस। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है कागज लुगदी बनाने हेतु कौन सा कच्चा माल कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर आ गया होगा पॉपलर। दोस्तों बी ऑप्शंस आप सभी का राइट आंसर है, उम्मीद करते हैं आपका क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चंस अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्री पंतन है? समुद्र पंतन मतलब आपको बता दें दोस्तों बंदरगाह की बात की गई है यहाँ पर दोस्तों। याकोहामा आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस जरा ध्यान से देखना, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यस्ततम समुद्रिक व्यापार मार्ग है? दोस्तों मतलब यह समुद्रिक व्यापार मार्ग काफ़ी व्यस्त होती है, तो राइट आंसर आप सभी को बताना है दोस्तों डी ऑप्शंस उत्तरी अटलांटिक, आपका राइट आंसर हो गया होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ध्यान से देखना, विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग अवस्थित है, यानी बहुत ज़्यादा लंबी है दोस्तों और विश्व की है, तो राइट आंसर आप सभी को बता दें डी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका में, आपका राइट आंसर आ गया होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? दोस्तों अफ्रीका की मूलभूत जनजाति है पिग्मी, तो राइट आंसर आप सभी का आ गया होगा दोस्तों। आपका राइट आंसर है, अफ्रीका की बात की गई है दोस्तों, बी ऑप्शंस आपका राइट आंसर है कांगो। कांगो दोस्तों इसका कांगो यानी अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? कांगो नदी घाटी में। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, जरा ध्यान से देखना, जुलू एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है,
आपका राइट आंसर दोस्तों आ गया होगा बी ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की मतलब एक जाति को कहा जाता है जूलू। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण का कार्य करती है? पशुचारण का कार्य कौन सी जनजाति करती है आपको बताना है। बी ऑप्शन आपका मसाई राइट आंसर होना चाहिए, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल का एक प्रमुख भाषा है? दोस्तों निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल का एक प्रमुख भाषा है आपका राइट आंसर बताना है। आपका राइट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन से सिंगापुर, आपका राइट आंसर डी। दोस्तों आपको बता दें तमिलनाडु वाली भाषा सिंगापुर में भी बोली जाती है, जो भारत राज्य में तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होगे, अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित देशों में से किस एक की राजभाषा स्पेनिश नहीं है? दोस्तों किस एक की राजभाषा जो कि स्पेनिश नहीं है आपको बताना है। आपका सी ऑप्शन कांगो गणराज्य, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आइसो बात व्यक्त करती है आपको बताना है। आपका राइट आंसर आ गया होगा डी ऑप्शन गहराई, आइसो बात व्यक्त करती है दोस्तों गहराई को। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं? दोस्तों मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्टोग्राफी, राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने के मानचित्रों को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एटलस मानचित्र, एटलस मानचित्र, मानचित्र एटलस। दोस्तों आज का यह क्वेश्चन लास्ट था। उम्मीद करते हैं हर क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह बेनिफिट मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे।